लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इतनी शराब क्यों पी रहे हो? बस पी रहा हूं। क्या हो गया? खत्म हो जाएगी ना, और ले आएंगे। शराब खरीदने वाले रुपए तो मेरे पास बहुत हैं। दवा खरीदने वाले रुपए मेरे पास नहीं है। दवा खरीदने वाले रुपए मेरे पास नहीं है। ठीक है, नहीं है तो नहीं सही। हम ये गम भी उठा लेंगे। रोमा, रोमा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जानती हो रोमा, मेरे बाप ने दो शादियां की हैं। तो एक मेरी मां के साथ और एक अपनी नौकरी के साथ। अपनी मां का बेटा मैं हूं और मेरी सौतेली मां यानी मेरे बाप की दूसरी बीवी का बेटा है कानून। कानून, कानून मेरा सौतेला भाई है। सौतेला भाई। सौतेला भाई। और मैं तो उस घर से भाग आया हूं, लेकिन मेरी सौतेली मां और मेरे सौतेले भाई ने मेरी मां को मेरे बाप के घर के अंदर कैद कर दिया है। और मेरी मां बहुत बीमार है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कि मैं वो बदनसीब बेटा हूं कि जिस दवा को छू लूंगा वो मेरी मां के लिए जहर बन जाएगी। जहर? मेरे मां बाप, मेरे अपने मां बाप मुझे अपना बेटा नहीं एक जहरीला सांप समझते हैं। तुम भी मुझसे डरो, क्योंकि मैं एक जहरीला सांप हूं। मैं तुम्हें भी डस सकता हूं। जहरीला सांप। मैं जहरीला सांप। विजय, सीताराम, विजय, विजय, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। तुम्हें आज क्या जाना नहीं है? हाँ जाना है। तो चलो तैयार हो जाओ, शादी निकल चलते हैं। मुझे 10 बजे नारंग साहब के यहाँ जाना है। विजय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
क्या कहना चाहती है? यही कि जो काम मैं कर रहा हूं वो मुझे नहीं करना चाहिए, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो गलत है, इसका अंजाम सिर्फ तबाही और बर्बादी, यही कहना चाहती हूँ? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती जो तुम यूं ही जानते हो। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं मां बनने वाली हूं। मुझसे शादी करोगी? क्यों मुझसे शादी करना चाहते हो? सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए? मुझसे शादी करोगी? विजय, एक बात मेरे दिल में है। कह तू? कहो। देखो विजय, हम दोनों ने शादी कर ली, धर्म और समाज ने हमारे रिश्ते पर मोहर लगा दी, लेकिन जब तक हम तुम्हारे मम्मी डैडी से आशीर्वाद न लें, मुझे ये रस्म अधूरी सी लगती है। फिर वही बात। देखो, तुमने उन्हें शादी के बारे में बताया नहीं, उन्हें बुलाया नहीं, आखिर ऐसे भी? मैं अपने माँ बाप से नहीं मिलना चाहता रोमा। लेकिन मैं अपने सास ससुर से मिलना चाहती हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन तुम मुझे मजबूर मत करो। तुम अगर जाना चाहती हो तो जरूर जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। कहिए, मुझसे मिलना चाहती हैं आप? जी, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम रोमा है, मैं आपसे, आप दोनों ही से, मेरा मतलब है आपसे और विजय की मम्मी से मिलने आई हूं। तुम विजय की दोस्त हो? जी जी हाँ, मैं विजय की दोस्त हूँ। उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है? जी नहीं, मैं खुद आई हूँ। किसी मुश्किल या किसी परेशानी में पड़ गया है वो? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो तुम यूं ही मिलने आ गई? जी, बात यह है कि मैं और विजय, हमने शादी कर ली है। तुम और विजय, यानी दोनों तुम, नाम क्या है तुम्हारा? रोमा। रोमा? नहीं नहीं, बस बस, जीती रहो, जीती रहो, सुखी रहो। अजीब बेवकूफ लड़की हो, इतनी देर से आए बाएं शाएं हांकती चली जा रही हो। साफ कहती क्यों नहीं कि तुम ये इस घर की बहू हो? मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी? इस तरह मेहमानों की तरह खड़ी क्यों हो? चलो बैठो, आ बैठो, आ बैठो भी क्यों? चलो तुम उसकी मां से मिलाता हूं, शीतल से। शीतल, शीतल, देखो कौन आया, पहचानो इसे। बैठो बेटी, बैठो। पहचाना? ये रोमा है, रोमा तुम्हारी बहू है। अरे भाई, इस तरह हैरान परेशान हो कि देखने से क्या फायदा? बहू है तुम्हारी, तुम्हारे पास आई है, उसे अपना आशीर्वाद दो। विजय ने हमें बताया तक नहीं। चलो ठीक है, बताया बताया, ना बताया ना सही। ये बेचारी तो आ गई ना तुम्हारे पास, तुम्हारा आशीर्वाद लेने के लिए।
अब इस मौके पर शीतल क्या गिले शिकवे लेकर बैठना, जमाना बदल गया है। अब ये शादी ब्याह जो है वो सब ऐसे ही होंगे। क्या जमाना इतना बदल गया है, क्या आज विजय इसे साथ लेकर यहां नहीं आ सकता था? वो आने वाले थे मगर काम कुछ ऐसे निकल आया कि पता है मुझे। रोमा तुम्हारे तो घर वाले थे, ये शादी उनकी आज्ञा से हुई है ना? किससे आज्ञा मांगते, मेरा तो कोई नहीं है। ये जब मेरी शादी हुई थी याद है ना, माँ जी ने खुद अपने हाथों से मुझे पहनाया था। कभी मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं।